गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखो तो जरा आंसर्स मालूम है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको मालूम है कि आपको कौन सा काम कब करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको मालूम है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको मालूम है कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, या किसकी बात को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मालूम है क्या? अगर नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक राजा भी था जिसे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम थे और वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मालूम करना चाहता था। आइए आज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, थ्री क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। थॉट यानी विचार, केम टू अ सर्टेन, सर्टेन यहाँ पर किसी के लिए यूज हुआ है, किंग मीन्स राजा, नेवर मीन्स कभी नहीं और फेल मीन्स असफल होना। एक विचार आया किसी राजा को कि वह कभी भी असफल नहीं होगा अगर, इफ मीन्स अगर, इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन बातें पता हों। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन बातें थीं, क्या थी? What is the right time to begin something? किसी चीज को शुरू करने का उचित समय क्या होता है, सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, मतलब किन की बातों पर ध्यान देना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, वह क्या करे जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. Messengers means होता है संदेश वाहक, therefore means इसलिए है। राजा ने, sent means भेजे, राजा ने क्या किया? अपने संदेश वाहकों को पूरे राज्य में भेजा। Promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. और ये promise किया, ये वचन दिया कि जो भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में धन प्रदान करेंगे। Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का विभिन्न तरीके से जवाब दिया। In reply to the first question, reply means उत्तर, पहले प्रश्न के उत्तर में, some said the king must prepare a time table. कुछ ने कहा कि राजा को एक time table यानी समय सारणी, prepare means तैयार करनी चाहिए, ठीक है? And then follow it strictly, और फिर इसका कड़ाई से, follow means पालन करना चाहिए। Only in this way, केवल इसी तरीके से, they said, उन्होंने कहा, could he do everything in its proper time? वह अपना किसी भी काम को उसके उचित समय पर कर सकता है। Others said, दूसरे लोगों ने कहा, that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. मतलब बाकी दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है, impossible means असंभव है, decide means तय करना, advance means पहले से ही, the right time उचित समय, सही समय for doing something, किसी चीज़ को करने का, यानी किसी चीज़ को करने का उचित समय पहले से ही तय कर लेना असंभव है, बाकी लोगों ने कहा। The king should notice all that was going on. राजा को जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। Avoid foolish pleasures, और जो मूर्खता वाले क्या कहते हैं सुख हैं, मज़े हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना मतलब उनसे दूर रहना चाहिए। And always do whatever seemed necessary at that time, और हमेशा वह काम करना चाहिए जो उस समय बहुत आवश्यक प्रतीत हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और फिर भी कुछ दूसरे लोग थे जिन्होंने कहा, क्या कहा? The king needed, need means होता आवश्यकता होना, कि राजा को आवश्यकता है
अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, किसकी? एक सभा की आवश्यकता है, मतलब एक परिषद बनाए, एक सभा बनाए जिसमें सारे लोग बुद्धिमान हों। हु वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी मदद करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि वह उचित समय पर कार्य करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वॉज बिकॉज मीन्स इसलिए, ऐसा बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान को ये बात असंभव लगे, क्या? टू डिसाइड करेक्टली, सही तरीके से डिसाइड करना, यानी तय करने में, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन यानी कार्य के लिए, प्रत्येक कार्य करने के लिए सही समय का चुनाव करने में। हो सकता है कि एक व्यक्ति को बिना दूसरों की मदद के ये तय करना असंभव लगे। बट देन अदर्स सेड, लेकिन तब दूसरे कुछ लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसी ही ऐसी बातें हो सकती हैं जो अविलंब तुरंत करनी हो। दीज थिंग्स could not wait for the decisions of the council, ये चीज़ें council के, यानी जो सभा है उसके निर्णय, decision means निर्णय का, wait means इंतज़ार नहीं कर सकती थी। in order to decide, ये तय करने के लिए, in order to यानी के लिए, तय करने के लिए, the right time for doing something, कि किसी भी काम को सही समय क्या को करने का सही समय क्या हो, ये तय करने के लिए, it is necessary, necessary means आवश्यक, यह आवश्यक है, to look into the future, कि जो भविष्य है उसका ज्ञात हो, उसके बारे में ज्ञान हो, उसमें देखा जाए। And only magicians could do that, और सिर्फ magician means होता है जादूगर, सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते थे। The king therefore means होता है इसलिए, the king therefore, इसलिए राजा ने, would have to go to magicians, राजा को क्या करना चाहिए, magicians यानी जादूगर लोगों के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, उन्होंने उन जो सेकेंड क्वेश्चन था, दूसरे प्रश्न के उत्तरों में उन्होंने कहा, क्या कहा, सम सेट, कुछ बोले, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक लोग हैं वो उसकी सभा के सभासद हैं, जो सलाह देते हैं उसको। अदर्स सेट, कुछ दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट्स, कौन हुए, पुजारी गण हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चुना, ठीक है, यानी कुछ ने बताया कि उसके काउंसलर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ बोले नहीं पुजारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और दूसरे कुछ और बोले कि नहीं डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड येट अदर्स सेड, और फिर भी कुछ और दूसरे लोग थे जिन्होंने कहा, दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सिपाही, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, उसके जो सिपाही हैं वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी मीन्स आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न में के उत्तर में, सम सेट साइंस, किसी ने कहा विज्ञान, अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ दूसरे लोगों ने फाइट मतलब झगड़ा, ये जो युद्ध होता है ये सब, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ दूसरे लोग थे उन्होंने धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वर्शिप मीन्स पूजा, यानी धार्मिक पूजा पाठ को महत्व दिया। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, चूँकि उन लोगों ने जो भी आंसर्स दिए वो इतने ज़्यादा डिफरेंट मीन्स अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड मीन्स इनाम, और उसने कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने तय किया, डिसाइड मीन्स तय किया, टू सीक द एडवाइस, यानी कि वो सलाह लेगा, किसकी, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एक किसी हर्मिट की, हर्मिट मीन्स होता सन्यासी, साधु संत जो होते हैं उनकी सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने विजडम यानी ज्ञान के लिए दूर दूर तक उनको जाना जाता था, यानी वो प्रसिद्ध थे अपने ज्ञान के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट यानी जो सन्यासी थे वो कहाँ रहते थे, एक जंगल में रहते थे, और जो कि वो जंगल कभी छोड़ते नहीं थे।
ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। सॉ का सेंस यहाँ पर देखने से नहीं, मिलने से है। वो सिर्फ सिंपल यानी जो साधारण लोग थे उन्हीं से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स। ऑर्डनरी मीन्स साधारण। इसलिए राजा ने क्या किया, सो मीन्स इसलिए, राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, इससे पहले कि वो हर्मिट की यानी सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना हॉर्स यानी जिस घोड़े पे गया था वो घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडी गार्ड, और उसका जो अंगरक्षक था उसको भी छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चला, अकेले गया। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा हर्मिट की यानी वो जो सन्यासी था उसकी झोपड़ी के पास आया, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। उसने देखा कि हर्मिट यानी सन्यासी जो था वो अपनी कुटिया के सामने, झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. अब सन्यासी ने क्या किया, सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया। Greet means अभिवादन करना, प्रणाम करना। उसने राजा का अभिवादन किया, लेकिन and continued digging, और वो जो खोदने का काम कर रहा था जमीन को, वो खोदता रहा, उसको रोका नहीं उसने। The hermit was old and weak. सन्यासी जो था वो बूढ़ा था और कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily. और जब वो काम कर रहा था तो वो तेज गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जब कभी बूढ़े लोग काम करते हैं तो उनकी सांस चढ़ जाती है ना, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक वैसे ही वो सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, मैं आपसे तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं सही चीज को सही समय पर करने का काम कैसे सीख सकता हूँ। Who are the people I need most? कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? And what affairs are the most important? और कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? कौन से मामले हैं? The hermit listened to the king. जो सन्यासी था उसने राजा की बात को सुना, but did not speak, लेकिन वह बोला नहीं। He went on digging. वो खोदता रहा, खोदता रहा। You are tired. Tired means थकना, थका होना। तुम थके हुए हो, said the king, राजा ने कहा, let me take the spade and work in your place. मुझे, spade means होता फावड़ा, मुझे फावड़ा लेने दो और मुझे आपके स्थान पर काम करने दो। Thanks, said the hermit. हर्मिट यानी सन्यासी ने धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए उसने राजा से क्या कहा, धन्यवाद कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसके बाद ग्राउंड मीन्स जमीन, वह जमीन पे बैठ गया। When the king had dug two beds, जब राजा ने, बेड मीन्स होते क्यारी, क्यारी जहाँ पर हम लोग फूल और पौधे लगाते हैं ना, छोटे छोटे से प्लांट्स लगाते हैं उनको क्यारी बोलते हैं। जब राजा ने दो क्यारियाँ खोद ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और उसने अपना, रिपीट मीन्स दोहराया, उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन उठ गया वो। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्ट्रेच मीन्स फैलाना, उसने अपना हाथ फावड़े के लिए फैलाया, फावड़ा पकड़ने के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। रेस्ट मीन्स यहाँ पर आराम करने से, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट यानी लेकिन, द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और वह खोदता रहा। वन आवर पास्ट, एक घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वह नीचे चला गया पेड़ों के पीछे, यानी सूरज जो है वो छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने जो उसका फावड़ा था वो जमीन में धसा दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चंस के, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ
आ रहा है। ठीक है बेटे, तो ये जितने भी पार्ट पढ़ा है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ना और इसके बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करना।